मेरठ से खबर सामने आ रही, जहां LLRM मेडिकल कॉलेज में आग लगी है। खबर मेरठ से सामने आ रही, जहां अस्पताल की तीसरी मंजिल में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट के चलते ये घटना हुई है। बिल्डिंग के बाहर तक धुआं निकल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अस्पताल के तीसरी मंजिल पर आग लगी है। धुआं देख मरीज और ईमानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। पुरानी बिल्डिंग में नहीं है आग बुझाने के पर्याप्त साधन। खबर मेरठ से सामने आ रही, जहां LLRM मेडिकल कॉलेज में आग लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि धुआं बाहर भी निकल रहा है। अस्पताल की तीसरी मंजिल में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट के चलते ये घटना हुई है। बिल्डिंग के बाहर तक धुआं निकल रहा है। धुआं देख मरीज और तीमारदारों में हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अस्पताल के तीसरी मंजिल पर आग लगी है। पुरानी बिल्डिंग में नहीं है आग बुझाने के पर्याप्त साधन। मेरठ के LLRM मेडिकल कॉलेज में भीषण आग लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी भीषण आग है। तीसरी मंजिल में आग लगी है, अस्पताल की तीसरी मंजिल में आग लगी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजन, मेरठ में अस्पताल की तीसरी मंजिल में आग लगी है, क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे लगी है या आग, क्या वजह सामने आई है? हाँ देखिए, भीषण गर्मी है और मेरठ में पारे की बात करें तो 45 सेल्सियस पारा है और ऐसे में लोगों का बाहर निकलना बेहद मुश्किल है। तो वहीं लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ में गढ़ रोड पर स्थित है, वहां पर तीसरी मंजिल में ये आग लगी है और तारों में आग लगने से शॉर्ट सर्किट होने से बताया जा रहा है ये आग लगी है। वहीं सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी और अस्पताल प्रशासन जो है देरी से पहुंचने का भी उन पर आरोप लगा है। वहीं जब बिल्डिंग से तीसरी मंजिल से धुआं निकलता हुआ देख वहां पर अफरा तफरी का माहौल बच गया। जो तीमारदार और मरीज थे उनमें हड़कंप मच गया कि आग इस तरीके की लगी कि वहां पर धुआं जो है पूरे इलाके में फैल गया। तो वहीं लोगों ने अपने दूसरे वार्डों में भी जाकर जान बचाई है। पुरानी बिल्डिंग बताई जा रही है। वहीं आग बुझाने के पर्याप्त जो साधन होने चाहिए, जो तमाम उपकरण होने चाहिए, वो भी अस्पताल में पूरे तरीके से पर्याप्त मात्रा में नहीं। राजन, आग लगने से कोई जनहानि तो नहीं हुई? देखिए, आग बहुत छोटी थी क्योंकि शॉर्ट सर्किट हुआ और वहां पर तीसरी मंजिल पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था क्योंकि वो बिल्डिंग अभी फिलहाल इतनी इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल में नहीं ली जा रही थी। वहीं इस आग को बुझा लिया गया है, कोई जनहानि नहीं हुई है, किसी प्रकार का कोई भारी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि मेडिकल कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग में ये जो आग लगी है, तो आग बुझाने के पर्याप्त जो संसाधन होने चाहिए, जो उपकरण होने चाहिए, जो पर्याप्त मात्रा में होते हैं सभी अस्पतालों में, वो यहाँ पर मुहैया नहीं थे। तो ऐसे में मेरठ के जो CMO हैं अखिलेश मोहन, इसे इस मामले में टीम गठित करके जांच करवानी चाहिए क्योंकि यदि आज को ये छोटी सी लापरवाही एक बड़ी जानलेवा भी बन सकती थी, कल को कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, चीज पर भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जी राजन, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अयोध्या में गालीबाज दरोगा का वीडियो वायरल हो रहा है। अयोध्या से खबर सामने आ रही, जहां महिलाओं के सामने गाली देते हुए दरोगा दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो, जिसमें दरोगा गाली देते हुए दिखाई दे रहा है। थाना रौनाही के सत्ती चौर चौकी के इंचार्ज दरोगा गोविंद पर आरोप लगा है। वायरल वीडियो की पुष्टि प्राइम टीवी नहीं करता है। खबर अयोध्या से है, जहां गालीबाज दरोगा का वीडियो वायरल हो रहा है। दरोगा महिलाओं के सामने गाली देते हुए नजर आ रहा है। महिलाओं के सामने गाली देते दिख रहा है दरोगा। खबर अयोध्या से सामने आ रही है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है दरोगा का गाली देता हुआ वीडियो। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शक्ति फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शक्ति, ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दरोगा महिलाओं के सामने गाली दे रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है? ये अगर मामला जो है, ये सत्ती चौरा चौकी का मामला है, जो दरोगा है अपने तहत में आकर के गाली दे रहा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से, जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कि गालियां किस एक ही मिनट में धारा प्रवाह
100 गालियों से ऊपर जो है वो दे रहा है। दरोगा अगर इस तरीके से जिनको रक्षा करने के लिए भेजा गया है वही अगर रक्षा की भक्का बन जाएंगे तो तेज का क्या होगा। जिस तरीके से अयोध्या में पुलिस शक्ति आखिर तो क्या वजह है कि दरोगा इस तरह गाली दे रहा है। मामला ये था कि एक जमीनी विवाद के मामले में गांव के लोग कुछ बुलाए थे उनको, तो उस मामले में ये पहुंच करके अपने टैक्स में आके इन्होंने गाली जैसे जिस तरीके से होती है उस तरीके से गाली आई जी। जी शक्ति ज्यादा जानकारी लिए आपका धन्यवाद। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो जहां दरोगा महिलाओं के सामने गाली देते हुए नजर आ रहा है। थाना रौनाही के सत्तीचौर चौकी के इंचार्ज दरोगा का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो की पुष्टि प्राइम टीवी नहीं करता है। खबर अयोध्या से है जहां गालीबाज दरोगा का वीडियो वायरल हो रहा है। अयोध्या से गालीबाज दरोगा का वीडियो वायरल हो रहा है। महिलाओं के सामने गाली देते दिखाई दे रहे हैं दरोगा। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें दरोगा महिलाओं के सामने गाली देता हुआ नजर आ रहा है। थाना रौनाही के सत्तीचौर चौकी के इंचार्ज दरोगा गोविंद पर आरोप लगा है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल प्राइम टीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अयोध्या से गालीबाज दरोगा का वीडियो वायरल हो रहा है। गालीबाज दरोगा का वीडियो वायरल हो रहा है। अयोध्या से महिलाओं के सामने गाली देते दिख रहा है दरोगा। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। थाना रौनाही के सत्तीचौर चौकी के इंचार्ज दरोगा गोविंद पर यह आरोप लगा है। आपको बता दें कि अयोध्या से खबर सामने आ रही, फिलहाल प्राइम टीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अयोध्या के दरोगा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महिलाओं के सामने दरोगा गाली देता हुआ नजर आ रहा है जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल प्राइम टीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। थाना रौनाही के सतीचौर चौकी के इंचार्ज दरोगा गोविंद पर यह आरोप लगा है, वीडियो वायरल हो रहा है कि दरोगा किस तरह महिलाओं के सामने गाली दे रहा है। वायरल वीडियो की पुष्टि प्राइम टीवी नहीं करता है। खबर अयोध्या से है जहां गालीबाज दरोगा का वीडियो वायरल हो रहा है। महिलाओं के सामने गाली देते दिख रहा है दरोगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो, फिलहाल प्राइम टीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। खबर अयोध्या से सामने आ रही जहां एक SHO पंकज कुमार सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। पंकज, ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दरोगा गाली दे रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है, किस वजह से दरोगा महिलाओं के सामने गाली दे रहा है? पंकज, हमारी आवाज आप तक आ रही है? अयोध्या से खबर सामने आ रही जहां एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दरोगा महिलाओं के सामने गाली देता हुआ नजर आ रहा है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल प्राइम टीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM Hospital and Research Center, Advanced Neuro and Spine Surgery Center, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। M Planet Digital World लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति।
बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। शिक्षा जीवन सार्थक करता, यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। बाबा साहेब शादी .com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निःशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहाँ होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938821 72। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर, हैप्पी फैमिली। पता डोंगरपुर नहर, एमएस रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियों के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोलाकस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ।